हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय नेक्स्ट लेक्चर। और आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल डिसीजन जो 18 अगस्त 2021 में आया है उसके बारे में अवेयर करवाने जा रहा हूं। अब हमारे देश के अंदर जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो भी एनडीए एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस 5 सितंबर 2021 को जो एनडीए का एग्जाम होने वाला है उसमें गर्ल कैंडिडेट्स अपीयर हो सकती हैं। दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन। हाउएवर आई मस्ट मेक इट वेरी क्लियर, बहुत क्लियरली मैं ये बात बताना चाहूंगा, दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन, उसके बाद एनडीए में उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में अभी तक डिसीजन नहीं आया है। तो डोंट बी मिसगाइडेड। अभी आपको सिर्फ एग्जाम देने की परमिशन मिली है, एनडीए में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं वो आगे डिसीजन आएगा। लेकिन अपनी तरफ से तो हम स्टेप्स लें, वी कैन टेक स्टेप्स फ्रॉम आवर साइड। लेट अस बी प्रिपेयर्ड एंड राइट द एग्जामिनेशन, ट्राई टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन ए पॉजिटिव मैनर। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स, ठीक है। एंड मोर ओवर आई मस्ट मेक इट क्लियर कि अगर आपने 15 अगस्त का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भाषण सुना हो तो उसमें भी उन्होंने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए सैनिक स्कूल्स और जो मिलिट्री स्कूल्स होते हैं उनमें एडमिशन्स ओपन करने की बात की है। तो जेंडर इक्वालिटी की तरफ ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे देश का। इट्स ए वेरी वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। अब हम जैसे से प्रोग्रेस कर रहे हैं और इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े डिसीजंस आ रहे हैं एंड आई वांट यू ऑल टू बी अपडेटेड टुवर्ड्स दीज डिसीजंस। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। अगर ये इंप्लाई होता है पूरी तरह से तो गर्ल कैंडिडेट्स भी परमानेंट कमीशन ले सकती हैं आफ्टर गेटिंग एडमिटेड इनटू एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसमें एडमिशन होने के बाद, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, दे कैन गो इनटू द परमानेंट कमीशन। अगर आपको पता हो इससे पहले गर्ल चाइल्ड्स के लिए 12th के बाद ऑफिसर रैंक के लिए कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस में नहीं जा सकती थी, देयर वेयर प्रोसीजर्स। आप ग्रेजुएशन करके एसएससी के थ्रू, एफकैट के थ्रू, आईएनईटी के थ्रू, एनसीसीसी सर्टिफिकेशन के थ्रू आर्मी में एंटर कर सकते थे। आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, वो मेथड्स थोड़े अलग हैं, उनका भी प्रोसीजर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एंट्री। लेकिन अभी जो न्यूज आई है दैट इज कि एनडीए एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं। तो बी रेडी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड डोंट हेजिटेट, फील फ्री टू कमेंट इन द बॉक्स एंड आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग द मैटर्स। And moreover, you can comment the topics which you want to make the video, ताकि उन पे भी हम वीडियो बना सकें और आप उनके लिए अवेयर हो सकें। Best of luck, goodbye, all of you.